नादरीन वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद। आज ईद का दूसरा दिन है और आरीवाला के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बिलखसूस बल्दिया की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए और जो फजला जो लोग फेंक रहे हैं जानवरों का उसको उठाने के लिए जो है ना वो बल्दिया की टीम मुतहरक है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरीवाला के लारी अड्डा के ऊपर और आरीवाला के असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम जनाब मियाँ अजहर तारक वट्टू साहब जो है ना वो इन पॉइंटों को चेक कर रहे हैं वक्फे वक्फे से। तो आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है, लोग ईद इंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए निकले हुए हैं, तो कितने पॉइंट चेक किए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल भी हमारी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी थी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो दिन रात काम करती रही है। इस सिलसिले में आरोफला में हमने 8 कलेक्शन पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से आज तक हम कल के दिन में 98 टन जो है ना मैट्रिक टन वो हमने कूड़ा उठाया है। और आज भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और आपके सामने देखें, अभी भी हमारे पास शापर भी पड़े हैं, हमारी टीम भी बैठी है। और इसके अलावा हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, इस पर जो भी बंदा कंप्लेंट करता है उसका फौरी अजाला किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों के साथ भरपूर कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं और मेरी आरोफला आवाम से गुजारिश है कि वो हमारे साथ भरपूर तामन करें ताकि शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सके। ये 3 दिन चलती मुसलसल चलेगी, कल का दिन भी चलेगी? जी बिल्कुल, ऐसे ही ये कल का दिन भी ऐसे ही हमारे सेंटर्स कैम रहेंगे, ये कलेक्शन पॉइंट चलेंगे और साथ साथ जहाँ भी हमें कूड़ा की कोई शिकायत आएगी, जहाँ पे कोई लाशों की शिकायत आएगी उसको फौरी उठाया जाएगा और फौरी उसको डंप किया जाएगा। मोहतरम, आपने घरों के अंदर शॉपर तकसीम किए हैं क्या, कि ये पूरे आरीवाला के अंदर तकसीम किए गए हैं या कोई खास मोहल्ले थे? नहीं नहीं, इसमें पूरे सिटी में हमने तकसीम किए हैं। उसके अलावा जो हमारे जितने भी कलेक्शन पॉइंट हैं, अगर कोई बंदा रह गया है तो यहाँ से वो ले सकता है। आपके सामने अभी देख, ये अभी अभी अवेलेबल पड़े हैं, ये शॉपर इतने शॉपर पड़े हैं और साथ हमने पम्फलेट भी तकसीम किए हैं लोगों के आगाही के लिए। तो इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद बेहतर, इसमें आपकी गाइडेंस भी की ज़रूरत होगी। आप भी कहीं भी आप देखते हैं कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो हमें हमारे नोटिस में लाएं, इंशाल्लाह उस पर फौरी एक्शन होगा। तो इसके अलावा ईद के वाले से लोगों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी है, बाकी ये काम है, तो कितने काम जो आपके अंडर चल रहे हैं जिनको आप मैनेज कर रहे हैं इस वक्त? जी इस वक्त मेन हमारा जो सफाई सुथराई वाला चल रहा है, इसके अलावा सिक्योरिटी के भी काम चल रहे हैं और जितने भी हमारी ग्रीन बेल्ट हैं, पार्क्स हैं, उनको हमने मेनटेन किया हुआ है और बाकी जिन चीज़ों की पाबंदी है यहाँ पे उनको हमने बैन किया है। जिस तरह कुछ झूले शूले हम नहीं लगने दे रहे, क्योंकि पिछली ईद में इस तरह का एक वाक्य आया था, इस वजह से हमने उस पर बैन किया हुआ है और बाकी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए आगाही मुहिम भी हमारी चल रही साथ साथ। जी नादरीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमारे साथ मैवे गुफ्तगू थे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम जनाब मियाँ अजहर तारक वट्टू साहब, जो वक्फे वक्फे से आरीवाला के टोटल पॉइंटों को चेक कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं और जितने भी इनके जो कंप्लेंट सेल है उनको मैनेज कर रहे हैं। आरीवाला के अंदर सफाई सुथराई की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला की बाकी मुहिम भी आपके सामने ऐसे ही रखेगी। इसके लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ, कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।